अज़ान की ये पवित्र आवाज तस्दीक है कि नमाज का वक्त हो चला है। आप अज़ान से अनजान नहीं होंगे, लेकिन अज़ान के इस अंदाज पर आपत्ति हो रही है, एतराज हो रहे हैं कि क्या सुबह सुबह लाउड स्पीकर से अज़ान जरूरी है। ये खत देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने ये खत प्रयागराज के डीएम को भेजा है। इसका मजमून भी देख लीजिए। हर रोज सुबह करीब 5:30 बजे पास की मस्जिद में होने वाली अजान से मेरी नींद खराब होती है। मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो बिना माइक के भी अजान कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिरदर्द समेत कई तरह की समस्याएं होती हैं। ईद से पहले भी वो सुबह 4 बजे माइक से सहरी का ऐलान करते हैं। इस बात पर जल्दी ध्यान दें ताकि जो लोग अजान की तेज आवाज से परेशान हैं, उन्हें शांति मिल सके। वाइस चांसलर की इस चिट्ठी पर तारीख 3 मार्च की दर्ज है। डीएम साहब ने इस पर वैधानिक कार्रवाई की बात कहकर मामला आगे बढ़ा दिया है। जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन असली सिरदर्द तो सियासत करने वालों को होने लगी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जात धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। नमाज के समय मस्जिदों से की जाने वाली अजान धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। यह इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य उपकरण का प्रयोग करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। जैसे कि आशंका थी, अजान पर घमासान आगे बढ़ते देर नहीं लगी। मुस्लिम धर्म गुरुओं का एतराज सामने आने लगा, अजान और आरती की तुलना होने लगी। किसी को नींद की प्रॉब्लम है और उसने जो है किसी भी धर्म के सिलसिले में कोई आवाज उठती है तो उसने गई है, लेकिन सिर्फ अजान के लिए देना ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और वो एक शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के जिम्मेदार होने के बाद ऐसी हरकत कर रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है और ये गलत है। इसको पर जो है मेरे ख्याल से उनको विचार करके अपनी दरखास्त को वापस ले लेना चाहिए। लाउड स्पीकर से अजान पर सवाल पहले भी उठे। आपको याद हो, सिंगर सोनू निगम ने अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। उस वक्त भी प्रदूषण और परेशानी का मसला अजान और आरती के विवाद में गुम हो गया था। एक बार फिर वही बहस सामने आ खड़ी हुई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।